लव यू भाई, ये आज हारेंगे। कौन कौन हारेगा? सुनने का भर गए, कह रहा हूँ पाकिस्तान आज हारेगा। किसने पाकिस्तान? मैं कह रहा हूँ ना, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, अपने घर वालों के साथ खुश पाश होंगे और आज मेरी तरह मैच देख रहे होंगे। जनाब मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, उम्मीद है कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता, आप तमाम लोगों को पता है, और उन्होंने इंडिया को दावत दी बैटिंग करने की। तो जी धुआंधार बैटिंग जारी है, चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं और हमारा दिल डूबता सा जा रहा है, लेकिन हमें पूरा ट्रस्ट है अपने बॉलिंग अटैक पे कि पाकिस्तान आज इंशाल्लाह 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 इंडिया को हरा कर छोड़ेगा। और मैं अकेली नहीं हूँ आज मैच देखने के लिए, आप ये समझे कि मेरे घर पे स्क्रीनिंग हो रही है। और ये देखें, आपको पीछे हारिस नजर आ रहा है, इस वक्त गप्पे लगा रहा है हारिस को। इंशाल्लाह कोई नहीं हो रहा अभी तक, अभी हम शहीद की उंगली डैमेज हो गई, क्या हुआ उसको? अभी हम लाइन लगा देंगे इन सब की। आ गया शाइन, आ गया शाइन को आते ही चौका पड़ गया। ये सजावल है, सजावल बेटा पास आ जाओ, क्या कहोगे तुम? मैं तो यही कहूंगा कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लग नहीं रहा जीतेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये मेरी कजिन है, दुआ करेंगे बारिश हो जाए, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस है ना लास्ट इंडिया वाले, दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, पाकिस्तान को बैटिंग करनी ना पड़े। लेकिन अभी इंशाल्लाह 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 हमने इनको आउट करना। और ये आमना साथ साथ कुछ काम भी करी है, लेकिन क्रिकेट फीवर इज इन द हाउस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन जीतेगा पता नहीं, देखते हैं हम भी देख रहे हैं, देखते रहेंगे। और अभी एक अपील की गई थी, रिव्यू लिया था, चौका मारा। अच्छा हम क्रिकेट भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ हम दाद भी दे रहे हैं जो अच्छा खेल रहा है। हम वो नहीं है कि ये देखिए शाही, गुड बॉल गुड बॉल। अभी हम आपको माहौल दिखाते रहेंगे, आप तमाम लोगों ने दुआएं भी करनी, खास तौर पे मैम। हाँ अभी हमारे और मेहमान आने बाकी हैं, क्योंकि अभी मैच शुरू है। और आपको मजे की बात बताऊं कि हम सब दुआएं भी कर रहे हैं, हम सब मैच भी एंजॉय करें। और तमाम देखने वाली मदर से मैं अपील करना चाहूंगी, हारिस बहुत टेंशन में है, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, साथ ही साथ अपनी जाय नमाज से निकाल लें। और आप हम सब नफल मान लेते हैं और दुआएं भी बड़ी जरूरी है। जनाब ये देखे आप, और इस पे शाहीन, ये नहीं हो सकता, दुख हो रहा है सबको। ओए होए होए होए, ये माहौल अभी देखे, इफ्तिखार को बहुत बुरा लगा है, और ये हमें भी कोई बहुत अच्छा नहीं लगा जनाब। एक और नहीं, नो 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 नो, सजावल ये चौके छक्के जो पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है? आपको पता ही, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है हमें वैसे ही मौत पड़ जाती पाकिस्तान वालों को। और हारिस मेरा ख्याल इंडिया की तरह से आज हारिस बटनी हारिस शर्मा बना हुआ है। अल्लाह अकबर, ऐसी फील्डिंग रही तो हम जीतने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ओ देख रहे हैं कैसे हद हो गई है वैसे, तौबा। ये यही होना है, ये क्या कर रहे हैं अभी, बार बार दिखा रहे हैं नसीम शाह बेचारा, और इतना बुरा इन्होंने किया है। ये देखें अभी, मतलब हद हो गई, ऐसे हाथ पे हाथ रख के खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कौन कैच पकड़े। ये तो हमारी फील्डिंग का हाल है, हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएंगे, इनको कुछ हो ना हो, हद है वैसे। क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं ये, हाय पावर प्ले हो चुके हैं खत्म। और इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत से चौके छक्के लग चुके हैं। रोहित शर्मा जो कि थोड़ा सुकून से खेल रहा था, वो भी जोश में आ गया है। और गिल साहब ने तो अच्छी खासी धुलाई कर दी। अब देखते हैं कि 10 ओवर गुजरने के बाद आगे क्या सिचुएशन होती है। और जो नसीम शाह का कैच छोड़ा है ना इफ्तिखार साहब ने, इफ्तिखार ने बड़ा धोता लग रहा, बहुत धोता लग रहा। मुझे लग रहा था कि वो इंतजार कर रहा था कि रिजवान डाइव मार के आए और कैच पकड़े, और बराबर में कौन था, दोनों इतने आराम से जाने दिया, मतलब कैसे कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं आप कैसे। ये जी एक और हमारा मेहमान आया, खुशियां चेक करें। राशिद कौन जीतेगा? कैसे आप? मैं ठीक हूँ, कौन जीतेगा? पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, और पाकिस्तान
अभी तक तो बहुत बुरा खेल रहा है। हाँ, हम तो सपोर्ट पाकिस्तान को करेंगे ना, हम तो दुआ दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी हम बैठ के मैच देखते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। हम बाहर जाएंगे जीत के वापस जाएंगे इंशाल्लाह, जीत के जीत के जीत के जीत के। माहौल देखें, अभी सब उदास है, विकेट का इंतजार करें कि कोई आउट हो जाए। राइट, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप कह रहे हो, पाकिस्तान जीतेगा ना, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान हार जाएगा। हम आज मेरे भाई हारिस प्यारे भाई मेरे लव यू भाई, ये आज हारेंगे। कौन हारेगा? तेरह ओवर में 100 रन हो चुके हैं, हम पे मायूसी छाई है लेकिन खुश है ये खुश है। गद्दार है ये, गद्दार। और आमना कहाँ गई है? आमना ये ब्रेक में हमें लेस खिला रही है। अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, और अब दुआओं की जरूरत काफी है, लेकिन हमारी अभी बॉलिंग लाइन भी बाकी है और हमारी बैटिंग लाइन भी बाकी है। हम जीतेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हम खराब देखने कोई बुरी बात नहीं है। गुड 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 गुड, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। मुबारक हो, पहला आउट हो गया। हमने ना राशिद की बातें सुनने के बाद उसको सजावल के हवाले कर दिया कि जाते ही ये इसी के साए थे जिसकी वजह से आउट नहीं हो रहा था। कि भाग जाएंगे, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। हमने कहा है सजावल को कि उसको बाहर फेंकाओ, तो अब अल्लाह का शुक्र है एक आउट अच्छा हो गया। अब और भी आउट होंगे इंशाल्लाह, अब आगे और भी आउट होंगे। आप तमाम लोगों ने भी दुआ करनी, आमना साथ साथ काम भी कर रही है और हम दुआएं भी कर रहे हैं और हम बड़े खुश हैं। कोहली कोहली आएगा, कोहली वैसे तो अच्छा है लेकिन आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आज उसे आउट होना है। आप तमाम लोग भी दुआ करें और फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। हम भी अब जरा मैच देखते हैं। आप व्लॉग एंजॉय कीजिएगा, बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसे लगे। अभी बहुत सारी सीरीज पड़ी है व्लॉग्स की जो हमने आपसे शेयर करनी है। कुछ तकनीकी सहूलियात की कमी के बायस मुकम्मल नहीं हो पाई और ये अपना पहला बॉल फेस किया है विराट कोहली ने। बड़ा वैसे जेंटलमैन है और अच्छा प्लेयर है लेकिन आज हमारी दुआएं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं है, ना ही हम चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे। हम चाहते हैं सिर्फ पाकिस्तान अच्छा खेले और जीते। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।